नमस्कार दोस्तों, कार कंपेयर्स में आपका फिर से एक बार स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त गुरु। और दोस्तों, आज हम बात करने वाले सबकी चही थी बोलेरो। हाँ दोस्तों, हमें पता है आप हमसे काफी नाराज हैं, लेकिन हम आपको बोलेरो के बारे में कुछ ऐसी अच्छी चीजें बताने वाले हैं जिनको सुन के आप भी कहेंगे हम भी बोलेरो के दीवाने हैं और हमने भी कई साल पहले बोलेरो चलाई है, अभी तक चला रहे हैं। लेकिन दोस्तों, हमारा ऐसा मानना है कि हम ऐसा नहीं चाहते हैं कि हम आपको कुछ गलत इन्फॉर्मेशन दें या हम आपको कोई गलत इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं। हम जो भी बताते हैं सच्चाई से सच्चाई सच्चाई बताना चाहते हैं आप लोगों को। तो चलिए देखते हैं, इस वीडियो में हम आपको बोलेरो की कुछ ऐसी चीजें बताएंगे जिससे बोलेरो एक बहुत ही किफायती गाड़ी बनती है और इससे आपको क्या क्या फायदे हो सकते हैं, इन सब चीजों के बारे में हम इस वीडियो में अंत तक बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं बोलेरो में मिलने वाला जो नया इंजन है उसके बारे में। तो आप सबको पता ही होगा कि बोलेरो में अब एक BS6 इंजन आने लगा है। अब पूरे भारतवर्ष में सारी गाड़ियों में आपको BS6 इंजन मिलेगा और महिंद्रा ने भी उनकी बोलेरो BS6 कर दी। तो इसके साथ साथ उसमें आपको 1.5 लीटर का M-Hawk इंजन मिलेगा जिसमें से आपको 75 हॉर्स पावर की ताकत मिलेगी दोस्तों और लगभग 200 Nm का टॉर्क मिलता है। ये टॉर्क और पावर थोड़े कम लगते हैं, लेकिन बोलेरो की खासियत ये है कि इसका लो एंड ड्राइवेबिलिटी यानी लो स्पीड में आप उसको अगर लो गियर में यानी फर्स्ट गियर में भी या सेकंड गियर में भी रखते हैं तो आप उसको आसानी से आगे ले जा सकते हैं। आपको बार बार गियर बदलने नहीं पड़ते हैं सिटी ट्रैफिक कंडीशंस में। ये तो सिटी ट्रैफिक के बारे में हो गया, लेकिन अगर आप पहाड़ी इलाकों में या दूर दराज में खराब रास्तों पर भी गाड़ी चला रहे हो तो आप बिना एक्सीलेटर दिए भी गाड़ी चला सकते हैं, क्योंकि इसमें इतना ड्राइव टॉर्क है और उसके गियर्स इतने बड़े हैं कि इस वजह से आपको ज्यादा से ज्यादा टॉर्क फाइनल ड्राइव तक मिलता है दोस्तों। तो इस वजह से बोलेरो चलाने में काफी अच्छी है, उसकी ड्राइव टॉर्क बहुत अच्छी है। तो जो बोलेरो का जो ARAI का जो BS6 का जो माइलेज है दोस्तों, उसकी अगर बात करेंगे तो वो लगभग 16.5 KMPL का है दोस्तों। हाँ हमें पता है, लेकिन ये आपको जनरली हाईवेज पर आप अगर 70 से 90 की स्पीड में गाड़ी चलाएंगे तो उसी समय आपको ये माइलेज मिल सकता है, लेकिन अगर आप सिटी ड्राइविंग कंडीशंस में या पहाड़ी इलाके में बहुत ज्यादा गाड़ी चला रहे हैं तो आपको लगभग 12 से 14 KMPL के बीच का माइलेज मिल सकता है दोस्तों। इसके अलावा आपको नई जो स्कॉर्पियो है उसमें स्टैंडर्ड करके सारे वेरिएंट्स में यानी B4, B6 और B6O वेरिएंट में भी आपको माइल्ड हाइब्रिड यानी के माइक्रो हाइब्रिड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, यानी कि गाड़ी में ऑटो स्टार्ट स्टॉप टेक्नोलॉजी दी गई है। जैसे कि आप सिग्नल पे रुकेंगे तो आपकी गाड़ी अपने आप बंद हो जाएगी और जैसे आप क्लच दबाएंगे गाड़ी शुरू हो जाएगी। हाँ, लेकिन गाड़ी बंद करने के लिए आपको गाड़ी न्यूट्रल में लाके क्लच छोड़ना पड़ेगा, तभी गाड़ी बंद होगी। अगर आप चालू कंडीशन में गाड़ी गियर में रखते हैं क्लच दबा के तो गाड़ी बंद नहीं होने वाली दोस्तों। तो लेकिन इस फीचर से ज्यादा करके गांव के इलाकों में ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वहां पे ज्यादा स्टॉप एंड गो ट्रैफिक नहीं रहता है। इस वजह से वो आपको वहां पे वो एडवांटेज मिलने का चांसेस बहुत कम है। तो दूसरी अगर बात करते हैं इसमें, तो बोलेरो एक हमेशा ही वैल्यू फॉर मनी गाड़ी कही जाती गई है, क्योंकि सालों साल हर घर में गांव में पाई जाती है, लोग इसे बहुत भरोसेमंद गाड़ी बुलाते हैं। ये इसकी सबसे बड़ी खूबी जो है ये इसकी जो लैडर फ्रेम है दोस्तों, ये लैडर फ्रेम पे बनती है, ये कोई मोनोकोक चैसी नहीं है। हमें पता है मोनोकोक चैसी के फायदे कुछ अलग है, लैडर फ्रेम के फायदे कुछ अलग होते हैं। तो लैडर फ्रेम का फायदा ये होता है कि ये काफी मजबूत होती है, ये गाड़ी की बॉडी के ऊपर कोई लोड डायरेक्टली आता नहीं है, गाड़ी की बॉडी एक्चुअली लैडर फ्रेम के ऊपर रखी जाती है। इस वजह से लैडर फ्रेम काफी स्ट्रांग रहती है, वो ट्विस्ट होने में भी काफी स्ट्रांग रहती है, वो काफी बेंडिंग लोड ले सकती है, काफी आप वजन उसमें चाहे जितना लोड डाल सकते हैं, गाड़ी आपकी बहुत ज्यादा वजन ले जा सकती है। लेकिन एक बुरी बात है कि अभी नई आने वाली बोलेरो में आपको 2.5 लीटर का इंजन नहीं मिलता है जिसमें से आप चाहे जितना वजन डालिए आप खींच सकते थे, लेकिन फिर भी आप इस बोलेरो में फिर भी आप सात यात्रियों को लेकर या काफी पीछे सामान डालकर और कैरियर पे भी एक्स्ट्रा सामान डालकर अभी भी आप काफी लोड इस गाड़ी में लेके जा सकते हैं। इसके बाद और एक खूबी जो बोलेरो की है उसकी बॉडी, ये काफी सिंपल सी बॉडी है लेकिन काफी स्ट्रांग बॉडी है। ये स्क्वेयरिश होने की वजह से क्या होता है, अंदर आपको ज्यादा शोल्डर स्पेस भी मिल जाती है, तो ज्यादा से ज्यादा यात्री अंदर आसानी से बैठ सकते हैं। आप चाहे तो दूर दराज गांव में चलाते वक्त आप देख सकते हैं कि बोलेरो में बहुत ज्यादा यात्री बैठे रहते हैं, कभी कभी तो 10-15 यात्री भी उसमें आपको बैठे मिलेंगे। ये सेफ्टी के अनुसार तो ठीक नहीं है, लेकिन शॉर्ट डिस्टेंस के लिए लो स्पीड्स में ये ठीक है दोस्तों, इसमें आप जा सकते हैं। वहीं अगर आप इसकी बूट स्पेस देखते हैं तो बोलेरो के अगर आप रियर लास्ट सीट यानी कि थर्ड रो की सीट्स अगर फोल्ड कर देते हैं तो आपको लगभग
1070 लीटर की बूट स्पेस तक मिल सकती है, जो काफी ज्यादा हो जाती है। तो अगर आप बोलेरो को किसी कॉम्पैक्ट एसयूवी से कंपेयर करते हैं तो आपको 1000 लीटर की बूट स्पेस मिल सकती है, जो आपको कॉम्पैक्ट एसयूवीज में जैसे कि नेक्सन है, वेन्यू है, इनमें आपको 350 से 400 लीटर से ज्यादा की बूट स्पेस नहीं मिलती। वहां पे आपको बोलेरो में उसी कीमत में, यानी कि बोलेरो की जैसे कि B4 की कीमत सिर्फ 9,20,000 रुपए है दोस्तों, और 9,20,000 रुपए से शुरू होकर आपको जो टॉप वेरिएंट है B6O जो आपको मिलती है 10,40,000 रुपए तक दोस्तों। तो इतनी रेंज में आपको बोलेरो का पूरा लो स्पेक से टॉप स्पेक तक पूरे वेरिएंट्स मिल जाते हैं, जितने में आपको नेक्सन के या वेन्यू के टॉप मॉडल भी नहीं मिलते दोस्तों, या बेस मॉडल्स भी उस रेंज में डीजल में नहीं मिलने वाले। आपको जो मिलेंगे काफी कम फीचर्स में मिलेंगे, या उनमें आपको इस तरीके की स्ट्रांग और ड्यूरेबिलिटी नहीं मिल सकती है दोस्तों। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि बोलेरो का जो टॉप है यानी कि जो छत है वो काफी फ्लैट है, तो आप चाहे तो उसके ऊपर काफी बड़ा सा कैरियर भी लगा सकते हैं। तो उस कैरियर में आपको क्या फायदा हो सकता है कि आप चाहे जितना वजन डाल सकते हैं, आप चाहे तो एक स्पेशल सेल्फ फैब्रिकेटेड उस पे कैरियर भी लगा सकते हैं, जिससे आप उसकी पूरी लेंथ में यानी कि बोलेरो की छत के पूरी लेंथ के ऊपर आप कैरियर लगा सकते हैं और उसमें आप चाहे जितना सामान डाल सकते हैं। लगभग आप 100 किलो से भी ज्यादा का सामान उसमें ढो सकते हैं दोस्तों, अगर आप उसमें स्टील का लगाते हैं, एल्यूमिनियम का ना लगाएं तो। उसके बाद बोलेरो में काफी चौड़े टायर्स भी मिलते हैं दोस्तों, जो काफी दूर दराज इलाकों में, पहाड़ी इलाकों में चढ़ते उतरते समय काफी यूजफुल साबित हुए हैं दोस्तों। मैंने खुद फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन की बोलेरो काफी चलाई हुई है, 15 साल पहले, 10 साल पहले भी हमारे पास हुआ करती थी। गाड़ी चलाने में बहुत खूबसूरत है, इंजन बहुत खूबसूरत है, इस वजह से लो स्पीड की ग्रेडेबिलिटी बहुत जबरदस्त मिलती है। इसके बाद बात करते हैं इसकी और स्ट्रांग क्या क्या पॉइंट्स है इसमें। तो आपको इसमें एक रिजिड एक्सल मिलता है दोस्तों, यानी कि पीछे एक सॉलिड एक्सल है जो एक्चुअली एक ड्रिवन एक्सल है। इस श्रेणी में या इस कीमत में मिलने वाली मोस्ट ऑफ द गाड़ियां आपको जो अभी मार्केट में अवेलेबल है सारी फ्रंट व्हील ड्राइव गाड़ियां हैं। तो बोलेरो का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ये एक रियर व्हील ड्राइव गाड़ी है दोस्तों। ये 10 लाख की रेंज में मिलने वाली कोई भी कॉम्पैक्ट एसयूवी या कॉम्पैक्ट जो भी आप गाड़ी कहें, जो बेसिकली एक सिडान है जिसको कॉम्पैक्ट एसयूवी बनाया जाता है बड़े टायर लगा के, इसका बोलेरो का डायरेक्ट तुलना नहीं हो सकती, क्योंकि बोलेरो में लॉन्गिट्यूडनल यानी के ट्रांसवर्स इंजन लगाया हुआ है और लैटरल इंजन नहीं है। इस वजह से बोलेरो में ड्राइव लाइन, ड्राइव शाफ्ट और पीछे डिफरेंशियल है, जिस वजह से ड्राइव लाइन पीछे की तरफ आ जाती है और बोलेरो में पीछे कन्वेंशनल यानी कि नॉर्मल पाटे वाली लीफ स्प्रिंग लगाई जाती है, जिस वजह से आप चाहे जितना सामान उसमें डाल सकते हैं और आप चाहे जितना सामान उसमें ढो सकते हैं। हाँ, लेकिन इंजन की पावर अभी थोड़ी कम होने की वजह से आपको थोड़ा पावर कम फील हो सकता है, लेकिन फिर भी हाईवेज पर या फिर स्ट्रेट रोड्स पे आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली, आप चाहे जितना सामान उसमें डाल सकते हैं और फर्स्ट गियर सेकंड गियर में आप गाड़ी पूरा उठा सकते हैं, तो गाड़ी बिंदास चला सकते हैं। इसके अलावा अगर आप देखते हैं तो पीछे रिजिड एक्सल होने की वजह से टूटने का चांस बहुत कम रहता है, सॉलिड एक्सल है। इसके बाद अगर आप देखते हैं तो इस गाड़ी की जो कैपेसिटी है पानी में चलाने की, आप लगभग 600 से 700 mm पानी यानी कि मेरे कमर से भी ऊपर तक के पानी में भी ये गाड़ी चला सकते हैं। आपने देखा होगा कि कई लोग इसको स्नॉर्कल लगा के यानी एयर इनटेक को एक ऊपर स्नॉर्कल लगाते हैं, जिस वजह से आप ऊपर से हवा खींच सकते हैं, एयर फिल्टर में पानी ना जाए। इतना अगर आप स्नॉर्कल लगाते हैं तो आप 900 या 1 मीटर तक यानी कि लगभग मेरे गले के हाइट तक भी आप इस गाड़ी को पानी में लेके जा सकते हैं दोस्तों। ये गाड़ी फिर भी बंद नहीं होगी, ये हमारी आपको गारंटी है। इसका इंजन काफी स्मूथ है और काफी शांत है, ये ज्यादा हाई रेविंग इंजन तो नहीं, लेकिन लो स्पीड्स में आपको काफी अच्छी पावर दे सकता है और आपको कहीं से भी निकाल सकता है। और जैसे कि हमने कहा कि पीछे ड्राइव होने की वजह से आप अगर इसको पहाड़ी इलाकों में चला रहे हो तो आपको कोई भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। जैसे कि आप जानते हैं कि जनरली आप जब पहाड़ों में जाते हैं तो आपको खड़ी चढ़ाई चढ़नी पड़ती है, तब जनरली आपका रियर व्हील पे पूरा लोड ट्रांसफर हो जाता है, जिस वजह से क्या होता है कि व्हील पे पूरा लोड ट्रांसफर होने की वजह से, रियर व्हील ड्राइव होने की वजह से आप पूरा ट्रैक्शन ले पाते हैं और आगे निकल पाते हैं। लेकिन जो बाकी की कॉम्पैक्ट एसयूवी जो है दोस्तों, आजकल की जो सूरा एसयूवीज है या डमी एसयूवीज जो है, उनको सब में फ्रंट व्हील ड्राइव है। तो अगर आप खड़ी चट्टानों पर या खड़ी पहाड़ी में अगर आप लेके जा रहे हैं फ्रंट व्हील ड्राइव गाड़ियां, तो क्या हो जाता है, फ्रंट व्हील में ट्रैक्शन नहीं रह पाता क्योंकि लोड ट्रांसफर पूरा पीछे की तरफ हुआ रहता है। इस वजह से आपकी गाड़ी के अगले पहिए घूमने लग जाते हैं और आप जगह पे ही फंस जाते हैं।
तो ये बोलेरो की सबसे खासियत है कि ये आपको कम कीमत में ये सारे फीचर्स दे रही है। हाँ, हमें पता है बोलेरो में अब 4x4 वेरिएंट बंद हो गया है इंडिया में, लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हैं कि आप 4x4 वेरिएंट ही लेना चाहते हैं तो आपको बोलेरो में कैंपर के साथ अभी भी 2.5 लीटर इंजन के साथ एक 4x4 का BS6 विकल्प मिलता है दोस्तों। ये काफी उम्दा गाड़ी है और मेरी खुद की बहुत ही चहीदा गाड़ी है, और अगर मैं कहीं कभी जिंदगी में फार्म हाउस लूं तो मैं जरूर ये गाड़ी खरीदूंगा, ऐसा मेरा ख्याल है। तो और एक बात बताना चाहेंगे, बोलेरो BS6 हो गई है, इसकी वजह से इसमें एक स्पेशल चीज आ गई है दोस्तों इंजन के साथ। इसमें आपको SCR यानी कि इसमें आपको एक अलग लिक्विड भरवाना पड़ेगा जिसका नाम जनरली एड ब्लू कहा जाता है, जो आपको अलग से टैंक में भरवाना पड़ेगा, और ये कोई फ्यूल एडिटिव नहीं रहता है दोस्तों, ये आपको डीजल में डालना नहीं है, ये याद रखिए जरूर। इसको आपको एक अलग से टैंक में एक अलग से नोजल से डालना पड़ेगा, और ये रोज भी डालने वाली चीज नहीं है दोस्तों। इसको आपको जब भी जरूरत पड़े, जनरली 5000 से 10000 किलोमीटर की रेंज में आपको ये भरवाना पड़ेगा 10 लीटर के आसपास, जिसका खर्चा लगभग 500 से 600 रुपए ही रहेगा, इससे ज्यादा इसका खर्चा नहीं रहेगा। और मेरे ख्याल से वारंटी के दौरान ये वारंटी के अंडर ही कवर हो जाएगा, आपके सर्विस के मिनिमम जो भी चार्जेस रहेंगे उसके अंडर। तो दोस्तों इसके साथ हम हमारा ये जो एपिसोड है खत्म करना चाहते हैं, लेकिन इसके पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे कि महिंद्रा ने इंडिया में 12 लाख से भी अधिक बोलेरो बेची है, और उससे भी ज्यादा उनके पास हैप्पी कस्टमर्स का बेस है आज, और इसी वजह से सारे ग्राहक महिंद्रा पे काफी विश्वास रखते हैं, और नई आने वाली 2021 की बोलेरो की तरफ सबका ध्यान है दोस्तों। हाँ, लेकिन एक बात बताना चाहेंगे कि अभी जो मिल रही बोलेरो है इसमें आपको बहुत ही कम फीचर्स मिलते हैं, लेकिन आपकी अगर यूटिलिटी की जरूरत हो तो बोलेरो भी आपके लिए काफी उम्दा गाड़ी रहेगी बाकी दूसरी गाड़ियों के हिसाब से, जिसमें आपको कंफर्ट तो थोड़ा कम मिलता है लेकिन आपको जो यूटिलिटी है इसके बारे में बोलेरो को कोई बीट नहीं कर सकता है, ये तो हम 100% बता सकते हैं। तो ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो के नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में आपकी कमेंट जरूर दर्ज कीजिए, और हमें बताइए आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा और आप किस तरीके के वीडियो और देखना चाहेंगे। तो देखते रहिए कार कंपेयरोस, धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।